एवरीवन गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अपनी पीडीएफ फाइल में पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं। अगर आपको नहीं लगाना आता तो आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन यहाँ शो होगा मेरी वीडियो में, वहाँ पे आके आप देख सकते हैं कि अगर आप पीडीएफ फाइल में पासवर्ड लगाना चाहते हैं इस तरीके से, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो आप कैसे पासवर्ड लगाएं। अगर आपको पासवर्ड नहीं मालूम तो आप ओपन कैसे करेंगे, देखिए अगर पासवर्ड मैं टाइप कर रहा हूँ कुछ भी इनकरेक्ट पासवर्ड आ रहा है। तो गाइस, आज की वीडियो में आपको मैं यही बताने वाला हूँ, अगर आपको पासवर्ड नहीं मालूम तो अपने पीडीएफ फाइल को कैसे अनलॉक करें विदाउट एनी एक्सटर्नल एप्लीकेशन इंस्टॉल किए। तो गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए ट्रिकी अनमोल को, ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड अर्निंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो कैसे आप इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली अपने गूगल क्रोम पे एनी ब्राउजर ओपन करना है और आपको यहाँ पे सर्च करना है आई लव पीडीएफ। आपको सिंपल एक सर्च करना है, वेबसाइट का नेम है जो आप ऊपर देख सकते हैं, आई लव पीडीएफ पे आप क्लिक करेंगे। जो भी फर्स्ट लिंक आपके पास अवेलेबल होगी उस पर आप क्लिक कर दिएगा। क्लिक करने के बाद प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही सिंपल है। इस तरीके का आपको कुछ इंटरफेस दिखाई देगा, आपको कुछ नहीं करना है, स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन करते करते आपके पास एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं अनलॉक पीडीएफ। तो सिंपली अनलॉक पीडीएफ पे क्लिक करिएगा, देन उसके बाद आपको अपनी पीडीएफ फाइल को सिलेक्ट करना है। तो जो मैंने आपकी आपको मैंने बता दिखा देता हूँ मेरी पीडीएफ फाइल का नेम क्या है। मेरी पीडीएफ फाइल का नेम है neodoc.apl14.2021.pdf। तो ये वाली फाइल मैं आपको क्लिक करके दिखाऊंगा। सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ेगा आपको क्या लेना है। तो फाइल्स पे सिंपली क्लिक करेंगे हम। फाइल्स पे क्लिक करने के बाद हम जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट सेक्शन पे, और डॉक्यूमेंट सेक्शन पे आप देखते हैं हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। तो गाइस, जब तक मैं वाली पीडीएफ को सर्च करता हूँ तब तक के लिए इस वीडियो को मैं स्टॉप कर देता हूँ। गाइस, मैंने अपनी पीडीएफ फाइल सेलेक्ट कर ली है, आप देख सकते हैं न्यू डॉक अप्रैल, इसको मैं क्लिक करता हूँ। और क्लिक करने के बाद देखिए अनलॉक हो रही है, तो अनलॉक पीडीएफ के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। थोड़ा सा हमको वेट करना है। वेट करने के बाद देख सकते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल एप्लीकेशन इंस्टॉल किए आपकी पीडीएफ फाइल अनलॉक हो जाएगी। अगर आपके पासवर्ड वाली पीडीएफ फाइल भी आती है तो उसकी आसानी से हम एन्क्रिप्ट या डिक्रिप्ट कर सकते हैं, आपको कोई एक्सटर्नल एप्लीकेशन की नीड नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, मेरे पास ऑप्शन आ गया डाउनलोड अनलॉक पीडीएफ, तो इसको मैं सिंपल डाउनलोड कर लूँगा। और डाउनलोड करने के बाद मैं अगर इसको डाउनलोड करता हूँ तो फिर मेरे पास देखिए कुछ ना कुछ यहाँ डाउनलोडिंग पे हो रहा है। डाउनलोडिंग के बाद इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ, और ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं जो मेरी पीडीएफ थी तो वो यहाँ पे ओपन हो चुकी है विदाउट पासवर्ड रिक्वायर्ड के। तो गाइस, ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है। अगर आप चाहते हैं इसका एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए तो उसका एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है आई लव पीडीएफ के नाम से। और सिंपली आप कोई सी वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं। सिंपली अगर आप गूगल क्रोम पर जाएंगे, ओके गाइस, गूगल क्रोम पर जाने के बाद आपको क्या करना है, अनलॉक पीडीएफ फाइल। आप इतना भी अगर आप सर्च कर देते हैं तो आप देख सकते हैं बहुत सारी वेबसाइट आपके पास यहाँ पे ओपन होके आ जाएंगी। वहाँ पे आप कोई सी वेबसाइट को आप यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वो सिंपली आपका फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको वो आपके पीडीएफ फाइल को एनक्रिप्ट कर देंगे। तो गाइस, कैसी लगी वीडियोस? और गाइस, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ। गाइस, मेरे चैनल पर जाइए, और मैंने आपको प्राइम मेंबरशिप अमेज़न की फ्री में बता रखा है कैसे आप कोई भी HD मूवीज लेटेस्ट वाली मूवी देख सकते हैं, अनलिमिटेड स्टोरेज कैसे ले सकते हैं, वोट की वीडियोस। गाइस, मैंने मोर देन 150 पीपल को वोट का प्रीमियम अकाउंट दिया है, कोई मॉड ऐप नहीं दिया, मैंने डायरेक्ट ईमेल आईडी एंड पासवर्ड।